प्रमेय चार, यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत भुजाएं समानुपातिक हों तथा उनके संगत कोण बराबर हों तो वे समांतर चतुर्भुज समरूप होंगे। इसे आप स्वयं सिद्ध करके देखिए। निष्कर्ष, ऊपर लिखे गए दोनों प्रमेयों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों कसौटियां अर्थात संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, में से केवल किसी एक का संतुष्ट होना पर्याप्त है। समांतर चतुर्भुज में समरूपता के लिए दोनों कसौटियों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि एक से स्वतः दूसरी कसौटी प्राप्त हो जाती है। इसी तरह अन्य बहुभुजों के जोड़ों जैसे समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पंचभुज आदि में समरूपता को जांचा जा सकता है। करके देखें। पहला, क्या दिए गए चतुर्भुज समरूप हैं? कारण सहित लिखिए। यहां आपको चार चतुर्भुज दिए हुए हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ई एफ जी एच, चतुर्भुज के एल एम जे और चतुर्भुज एन ओ पी क्यू, और इनकी माप भी दी हुई है। इन मापों के आधार पर आपको चार जोड़े देखने हैं और उनमें समरूपता देखनी है। पहला है चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज ई एफ जी एच, दूसरा है चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज जे के एल एम, तीसरा चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज एन ओ पी क्यू, चौथा है चतुर्भुज जे के एल एम और चतुर्भुज एन ओ पी क्यू, दूसरा क्या ई एफ जी एच और जे के एल एम समरूप हैं? कारण बताइए। तीसरा, ई एफ जी एच के समरूप एक चतुर्भुज बनाइए।